हाय गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे ये लॉरियल पेरिस का शैम्पू। जिस ये है हाइलुरोन मॉइस्चर वाला, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड, वो क्लेम करते हैं कि 72 आवर्स मॉइस्चराइजिंग फीलिंग शैम्पू है जो आपके डिहाइड्रेटेड हेयर के लिए वर्क करता है। बट ये मैंने अभी रिसेंटली लिया है, आफ्टर 4-5 यूज़ मैं अभी इसका रिव्यू करने जा रही हूँ। तो मेरा रिव्यू ये है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा है, या ये क्लीन करता है स्काल्प को, ऑयली नहीं रखता है। आफ्टर आप अगर आपकी 4-5 दिन बाद भी आपके जो स्काल्प है वो इची नहीं होता, तो वो क्लीनिंग वाला पार्ट बहुत अच्छे से करता है। बट जो मॉइस्चर वाला बोल रहे हो, हाइड्रेटेड हाइड्रेशन, वो नहीं लगा मुझे। और जो हेयर्स भी है, हेयर्स फ्रिजी हो जाते हैं, आपको कंडीशनर की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जो बेबी हेयर्स है वो खड़े हो जाते हैं, तो और कर्ल्स आ जाते हैं आपके बालों को। के लिए इसमें इंग्रेडिएंट्स भी आप देखोगे तो इन्होंने बहुत स्मॉल फॉन्ट में दिए हैं यहाँ पे। तो इसमें फ्रैग्रेंस है, बहुत सारी चीज़ें, सोडियम हाइलुरोनेट एंड ऑल दिस थिंग्स। तो अभी इसके प्राइस की बात करें तो ये 180 ml पड़ा है मुझे, 209 का। इसमें एक बड़ा भी बॉटल आती है जो 300 समथिंग ml की आती है, और 300 के इसमें। बट मुझे ये ट्राई करना था पहले, इसकी बहुत रिव्यूज़ आ रहे थे क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है ये सब, तो मुझे भी ये ट्राई करना था। बट मेरा रिव्यू है, ये ऑर्डिनरी शैम्पू के जैसे ही काम करता है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। और आपके अगर स्ट्रेट बहुत कम बाल है, मतलब थिन बाल है, तो आई वुड से कि प्लीज़ डोंट बाय इट, क्योंकि वो और थिन बना लेता है, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं रहता आपके बालों में। सो इसके लिए मैंने एक वो जो फ्रीजीनेस रहता है बालों में, उसके लिए मैं ये कंडीशनर यूज़ करती हूँ। ये भी लॉरियल पेरिस का है, ड्रीम लेंथ वाला। सो ये बहुत अच्छा है, ड्रीम लेंथ मुझे, मतलब मेरे बाल 3 महीने में मेरे बाल बहुत ग्रो किया है। और ये इतनी सी बॉटल है बट बहुत 3-4 महीने से चल रही है। सो